अगे दाफ्ते तो कट तो सदा दर कसाना का रोजी से मैं तो फापते हूँ उड़ा के मगर मच्छा मखनी आज आप एक शहर का खाना ट्राई करेंगे, उस शहर का नाम है फिलाडेल्फिया। पहली बार भी मुझे दफिली, ये तो मैंने कभी फिल्म में भी नाम नहीं सुना, इस हिसाब से इंडिया का तो नहीं लग रहा है। अमेरिका का नाम होना चाहिए खाना स्थान। अमेरिका का एक शहर है, सिटी, उसी का खाना है बेहतर, जबरदस्त होगा इंशाल्लाह। ज्यादा इंतजार नहीं करो, आज ये नए मुल्क की और अमेरिका का थोड़ा हवा इसको लगा होगा, हिला विला होगा, तो लेके आओ चीज देखे। ये मुझे अभी रिसेंटली कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका ऊपर वाला हिस्सा लग रहा है। अगे दाप से तो खट तो सदा दर कसाना का रोजी से मैं फापते हूँ उड़ा के मगर मच्छा मखनी हम जोड़ करूँ। इसका नाम है स्ट्रॉम्बोली। स्ट्रॉम्बोली से बनता है क्या? उससे नहीं है। अच्छा, उससे मुख्तलिफ है। ऐसे सर ये ब्रेड है ना, वैसे रोटी था पहले से ना, फिर इसको डाला है, उसके ऊपर बंद किया है। हमारे यहाँ जो जूते के शेप्स होते हैं ना ब्रावी के, इस तरह के पट्टीज होते हैं उसमें, इस तरह के, जैसे इसको दिया गया है उसका शेप। कंट्रोल भाई, जूते को उससे कंपेयर कर रहे हो? वही शेप नज़र आ रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई मैं इसका फोटो लेकर दे दूँगा, माजरत। यारा अन्ना ना ट्राई करनी खानी जोर बस बस साफ सुथरा, ये तो खाने वाली थी पास कनिया खुलता। देखो चीज़ इतने छिपाओगे हम उसको ढूंढ के निकालेंगे। जी नाजरीन, हम ये ट्राई करें जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ऐसे लग रहा है पिज्जा वाला ही रोटी है बोला। हाँ रोटी, ऐसे समझो कि इसमें चीज है ही नहीं। वैसे है एक तो ये गोश्त, एक ये डबल रोटी, दूसरा ये केचप। वाह क्या बात है, बात किसी ने जोड़ कर उस तरफ ही था। खा ले बेटा, तेरे बाप का माल है ये। जबरदस्त, जरा भी है, अच्छा भी है, क्योंकि जायका उसी का रहा है जैसे, तो थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है, लेकिन मुख्तलिफ बना हुआ है, शेप का डिज़ाइन सब कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन मटेरियल उसी का है। ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है इसको, जो बनाया है ये 1950 में बना था, लेकिन इसको बनाने वाला था वो थे इटली वाले। अच्छा, वो तो इटली वाले। अब तीन दिन ना हो मशहूर मोड़ जोड़ कर, मशहूर मोड़ मशहूर अमीर कर दिए। मैं समझता हूँ इटली वाले ज़्यादा खाने के शौकीन हैं और ज़्यादा अच्छे कुक्स हैं, शायद इसी वजह से वो गए तो अपने कारोबार के लिए, लेकिन वहाँ मशहूर हो गए और आज उनका नाम है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छे चीज़ें खाते और बनाते भी हैं। हमारे मुल्क में आते हैं दूसरे सूबे से, दूसरे सूबे आते हैं। हमारे यहाँ एक तो पठान अफगानी आते हैं, वो तंदूर पे नान ज़बरदस्त बनाते हैं, बाकी इसके अलावा चाय हमारा लोकल है, हमारे बंदे बनाते हैं तो फैंटेस्टिक और ज़बरदस्त। हमारे इलाके में ढेर सारे लोग बनाते हैं, मगर एक सन से आया हुआ एक बंदा है, वहाँ ढेर बनाता है, इतनी रश होती है, इतनी भीड़ होती है, वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। जब हम लेने जाते हैं कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, जब नहीं मिलते तो दूसरे से जाके लेते हैं अपने बलोच भाइयों से, उसकी इतनी कट्टे डही है। जब फिर हम उससे पूछते हैं भाई आप लोग वो कितना अच्छा बनाता है, आप लोग उस तरह बनाओ भाई, वो अपना वो नुस्खा में नहीं बता रहे है। एक मना एक चीज़ का फर्क है, वो कौन सा है किसी को पता नहीं। तो इस लिहाज से बाहर के लोगों का आना फ़ायदेमंद है, और कारोबार के लिहाज से मीशत के हिसाब से भी उस खत्ते के लिए और इस इलाके के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इटली में एक वॉलकैनो है,
सर वेलकम जानते हैं, जो लावा फटता है उसी को कहते हैं ना। ऐसा पहाड़ है जिसमें से आग निकलता है, आतिश फिशा, उसका नाम है स्ट्रोम्बोली। सही रखा बेशक, इतनी गर्म ये ऐसे वक्त रावल खाना उसका बड़े के मोबाइल खाना ठीक हन मशन जियान पेश में खा तो पेश में हमर दीर खान से बंदा शोलिंग साके और हन बड़े साके की जमीन ये वो पागनी चाहिए उन्होंने जोड़ के इन्होंने तीसों मोबाइल हन नहीं थे और दा ना इधर मतलब फक्का हम उन्होंने CID इंडियन का डामा नहीं होता CID तो लोग कुछ जा रहे माना दोस्त लड़कियाँ लड़के तो उनकी एक लड़की है वो पहले गायब हो जाती है, ये उनके पीछे चले जाते हैं। एक बड़ा बड़ा पहाड़ होता है ना उसके नीचे इतना सुराख होता है, उसमें से लोग गुजरते हैं अंदर जाते हैं तो फिर आग ही आग होती है। वाह लाड़ी ना जाएं। बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक, वंडरफुल, बाज गिछे मा जबरदस्त। प्रणब जी का गाना बहुत अच्छा लगा है, इस तरह के गाने हैं तो बंदे भी अच्छे होंगे ना। नहीं हमने तो चीज खाई, हमने शेर नहीं देखा, पहले शेर देखेंगे। शेर देखना ही नहीं, अगर देखोगे आप पे अटैक करेगा। नहीं अटैक करेगा, क्यों करेगा। बहुत अच्छा, एक तो बहुत गरम गरम ताज़ा ताज़ा था, बाकी दूसरा डबल था, डबल के अंदर गोश्त, और गोश्त वो भी सालन वाला गोश्त था। नन करे न था, नू करे न था, सादा सीधा खेले चक साम मसका के बेदीर करे न बेदीर अलग कहे न अलग मसका हर बंदा खूंग। तो मुझे इंतहाई बेहतरीन लगा, मैं इसका इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो ये ज़रूर ट्राई करूँगा। जी नाज़रीन, हम एक औरतों के स्कूल का प्रोग्राम कर रहे हैं, उम्मीद है कि उसमें आप हमारी सपोर्ट करें, हेल्प करें, आपकी बहुत मेहरबानी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करना और लाइक का बटन भी दबाना और चैनल के जो बेल का बटन है उसको दबाए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में हमें बताया कि ये फिलेडन पिया का अभी हमने जो चीज़ खाई है ये आपको कैसी लगी है, और पसंद है तो हमें बताना, नहीं पसंद है तो फिर लिखना मत, मेहरबानी करना। नमस्ते, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें अपने खर्चे पर।